हेलो लिस्टर, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद शम्स। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद शम्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स प्लेइंग फेयर, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गेम, रिस्पेक्टिंग द टीम मेट्स, ट्रीटिंग ओपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट and being gracious in victory and defeat. Games instill the spirit of teamwork. They teach us how to work in a group with full harmony. We also learn the qualities of leadership. Sports and sportsmanship. Translation into Urdu. Teacher, do you know, क्या आप जानते हैं? वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक। हम शुरू कर रहे हैं खेलों का हफ्ता फ्रॉम मंडे, स्पीड से सोमवार से, नेक्स्ट अगले। टीचर, क्या आप जानते हैं कि हम अगले सोमवार से खेलों का हफ्ता शुरू कर रहे हैं? आर यू मेकिंग, क्या आप कर रहे हैं एनी प्रेपरेशन, कोई तैयारी फॉर इट, इसके लिए, क्या आप इसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, तालब इलम, यस सर, हाँ सर, वी आर पार्टिसिपेटिंग, हम शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं इन डिफरेंट गेम्स, मुख्तलिफ गेमों में, हम मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। टीचर, दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। विच गेम्स, कौन सी गेमें आर यू पार्टिसिपेटिंग इन, आप जिनमें हिस्सा ले रहे हैं, आप किन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं? रियाज, सर आई विल प्ले बैडमिंटन, सर मैं बैडमिंटन खेलूँगा। कासम, सर आई विल पार्टिसिपेट, सर मैं शिरकत करूँगा इन रेस, दौड़ में, जनाब मैं दौड़ में हिस्सा लूँगा। जमाल, आई विल टेक पार्ट, मैं हिस्सा लूँगा इन वॉलीबॉल मैच, वॉलीबॉल के मैच में, मैं वॉलीबॉल के मैच में हिस्सा लूँगा। टीचर, दैट्स नाइट, ये बहुत उम्दा है, बड़ी अच्छी बात है। बिफोर, इससे पहले, वी फिनलाइज, हम हतमी शक्ल दें द सिलेक्शन, इंतखाब को, आप प्लेयर्स, खिलाड़ियों के। लेट मी आस्क यू, मुझे आपसे कहना है, पूछना है, अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अहम सवाल। इससे पहले कि हम खिलाड़ियों के इंतखाब को हतमी शक्ल दें, मुझे आपसे एक बहुत अहम सवाल करना है, पूछना है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज, कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? क्या आपको याद है कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है? स्टूडेंट्स, यस सर। तुलबा, जी हाँ सर। टीचर, ओके, ठीक है, रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाएं एंड टेल मी, और मुझे बताएं अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में, वन बाय वन, एक एक करके। टीचर, ठीक है, अपने हाथ उठाएं और एक एक करके मुझे स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बताएं। फहीम, सर इट मीन्स, सर इसका मतलब है डोंट चीट, धोखा मत दें, जनाब इसका मतलब है धोखा मत दो। कासम, इट आल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है डोंट क्राई, मत चिल्लाएं व्हेन यू लूज, जब आप हार जाएं, इसका मतलब ये भी होता है कि जब आप हार जाएं तो चीखे मत। जमाल, इट इज़ आल्सो अबाउट, ये बारे में भी है नॉट येलिंग, गुस्से में ना आने के, एट योर टीम मेट्स, अपने टीम के साथियों के साथ, व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, जब वो कोई गलती करें। ये इस हवाले से भी है कि अपने टीम के साथियों पर गुस्से के साथ मत चीखो अगर इनसे कोई गलती हो जाए, अगर वो कोई गलती कर बैठें। अहमद, I think it means, मेरा ख्याल है कि इसका मतलब है don't be a quitter, कि जल्दी हार मानने वाले मत बने।
क्विटर छोड़ने वाला, जल्द हार मानने वाला। अहमद, आई थिंक इट मीन्स डोंट बी अ क्विटर। अहमद, मेरे ख्याल में इसका मतलब है जल्दी शिकस्त खाने वाला ना बनो। टीचर, यस यू ऑल आर राइट, हाँ तुम सब ठीक कहते हो। स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड, स्पोर्ट्समैनशिप में शामिल है। रिस्पेक्ट, इज्जत, एहतराम। फॉर द गेम, गेम के लिए, खेल के लिए। द प्लेयर्स, खिलाड़ियों के लिए। द रूल्स, असूल, कवायद व ज़वाबत। एंड द ऑफिशियल्स, और अहलकारों के लिए। स्पोर्ट्समैनशिप में खेल, खिलाड़ियों, असूल व ज़वाबत और अहलकारों के लिए एहतराम शामिल है। इट्स आल्सो अबाउट, इसमें यह भी शामिल है, बींग द बेस्ट यू कैन बी, कि अपने आप को इतना बेहतर करें, बेहतरीन बनाएं, यू कैन बी जितना आप बना सकते हैं। एंड अबाउट नोइंग, और ये जान सकें, हाउ टू विन, कैसे जीतना है और लूज या फिर हारना है। इसमें ये बात भी शामिल है कि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें और इस बात से वाकिफ हों कि जीता या हारा कैसे जाए। जमाल, सर वर यू एवर अफ्रेड, क्या आप कभी खौफजदा थे, डरते थे ऑफ लूजिंग, शिकस्त से, हारने से। सर क्या आप कभी हारने से डरते थे। टीचर, नो, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है दैट इट इज़ अबाउट डूइंग आवर बेस्ट, ये इस हवाले से है, इस बारे में है कि हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। एंड स्ट्राइविंग, और कोशिश करें टू इम्प्रूव, बेहतर करने की, आवर सेल्व्स, अपने आप को। टीचर, नहीं, हमें यह समझना होगा कि इसका मतलब यही है कि हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। मुनीब, सर व्हेन आई प्ले, सर जब मैं खेलता हूँ, विद माय ब्रदर, अपने भाई के साथ। एंड ही ट्राइज, और वो कोशिश करता है, टू चीट मी, मुझे धोखा देने की। माय फादर, मेरा वालिद, मेरा बाप, इज़ ऑलवेज ऑन माय साइड, हमेशा मेरी तरफ होता है, मेरी साइड पे होता है, मेरी हमायत करता है। मुनीब, सर जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ और वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, तो मेरे वालिद साहब हमेशा मेरी हमायत करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं, वी शुड हैव अ सेंस, हमें शऊर होना चाहिए, अ फेयर प्ले, ईमानदारी से खेलने का, शफाफ खेल खेलने का। इवन, हत्ता के, व्हेन वी आर प्लेइंग गेम्स, जब हम गेमें या खेल खेल रहे हों, एट होम, घर में। वो कहते हैं कि हमें उस वक़्त भी ईमानदारी से खेलने का शऊर होना चाहिए जब हम घर में गेम्स खेल रहे हों। टीचर, यू आर राइट मुनीब, तुम ठीक कहते हो मुनीब। पेरेंट्स कैन प्ले, वालदैन खेल सकते हैं, सिंपल गेम्स, सादा से खेल, विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। एंड नर्चर, और परवरिश कर सकते हैं। अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, अ सेंस, शऊर, ऑफ फेयर प्ले, ईमानदारी से खेलने का, मुनसफाना खेल का। वालदैन अपने बच्चों के साथ सादा सी खेलें खेल सकते हैं और इनमें शफाफ खेल के एहसास की परवरिश कर सकते हैं। कासम, सर वी हैव प्रिपेयर्ड, सर हमने तैयार किया है, अ चार्ट, एक चार्ट, फॉर स्पोर्ट्स वीक, स्पोर्ट्स के हफ्ते के लिए, खेलों के हफ्ते के लिए। जनाब, हमने खेलों के हफ्ते के लिए एक चार्ट तैयार किया है। फर्स्ट कॉलम के अंदर डेज के नाम हैं और जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर वो वाले इवेंट्स हैं जो सुबह 8:30 बजे यानी फर्स्ट टाइम में होने हैं, और थर्ड कॉलम के अंदर वो वाले इवेंट्स हैं, वो वाले मैचेस हैं जो दोपहर के वक्त होने हैं यानी 12:30 बजे। लिहाजा ये एक स्पोर्ट्स के हवाले से चार्ट है जिसमें डेज और एक हफ्ते में होने वाले इवेंट्स को मेंशन किया गया है। टीचर, गुड, बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स वीक, खेलों के हफ्ते से, मीन्स, मुराद है, मतलब है, टू शो, दिखाना, मुजाहरा करना, स्पोर्ट्समैनशिप का। टीचर,
बहुत अच्छा। खेलों के हफ्ते का मतलब है स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना। स्टूडेंट्स, यस सर। तुलबा, जी सर। इंग्लिश विद शाम्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।